वेलकम टू द श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन. टुडे वी विल टॉक अबाउट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. लास्ट क्लासेस वी हैड स्टडीड अबाउट जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो गया है. अब अपने नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट स्टडी करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिजम्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आइडेंटिफाई दी व्हाट इज द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. मैंने तुम्हें बताया था लास्ट क्लासेस में, जैसे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में था, इनमें क्या होता है, मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होता है, बट इसमें डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट होगी ऑप्टिकल एक्टिविटी. और ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए अपने को स्टडी करनी पड़ेगी प्लेन पोलराइज्ड लाइट. तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन अपने आइडेंटिफाई करते हैं, फिर आपको अपनी डेफिनेशन को समझाएंगे. देखो सबसे पहले डेफिनेशन क्या होगी जो तुम कॉपी में लिखोगे, वो द कंपाउंड विच हैव स्ट्रक्चरल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट. द आइसोमर इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर नोन एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. आइसोमर्स एंड फिनोमिनोन इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. अब देखो, चलो ये तो हो गई डेफिनेशन. मैंने तुम्हें डेफिनेशन को पहले नहीं समझाया क्योंकि डेफिनेशन में कुछ वर्ड ऐसे हैं, पहले अपने उनको आइडेंटिफाई करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे एक ऐसा वर्ड है जो अभी तक नहीं समझ में आया. देखो यहाँ पे अपने को पता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और मॉलिकुलर फॉर्मूला, बट जो डिफरेंट हो रहा है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट. व्हाट इज द प्लेन पोलराइज लाइट, सबसे पहले अपने इसको आइडेंटिफाई करेंगे, फिर आपको डेफिनेशन समझ में आएगी. तो मैंने डेफिनेशन ऐसे लिख दी पहले, डेफिनेशन समझ में पूरा टॉपिक करेंगे तब आएगी आपको. तो सबसे पहले यहाँ से टॉपिक निकलता है प्लेन पोलराइज लाइट, सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करेंगे अपने. व्हाट इज द प्लेन पोलराइज लाइट, तो इसके लिए एक डायग्राम फिल कर रहा हूं, उससे आपको समझ में आएगा व्हाट इज प्लेन पोलराइज लाइट. देखो भाई, यहाँ पे एक लाइट है जिसका वाइब्रेशन है वो ऑल डायरेक्शन में है.
इस लाइट को अपने बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। ये एक टाइप की ऑर्डिनरी लाइट होती है। देखो होता क्या है मोनोक्रोमेटिक लाइट। देखो वी नो दैट लाइट वाइब्रेशन ऑफ ऑल साइड या लाइट टेक प्लेस वाइब्रेशनल इन ऑल डायरेक्शन, कहने का मतलब है जो लाइट होती है उसका वाइब्रेशन ऑल साइड में हो, उसको अपने बोलते हैं ऑर्डिनरी लाइट। और इसमें अपने क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर कलर लेते हैं, जैसे एग्जांपल वाइट कलर, उसको अपने बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनो माने हो गया एक। अगर इस मोनोक्रोमेटिक लाइट को मैं पास थ्रो करता हूँ किसमें, निकोल प्रिज्म में, तो यहां पे अपने बनाएंगे निकोल प्रिज्म। तो जो वाइब्रेशन होता है यहां पे, जो टेक प्लेस इन ऑल साइड वाइब्रेशन, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वन साइड में। देखो भी वाइब्रेशन इन वन साइडेड, यहाँ पे क्या है ध्यान से देखिए, इसको अपने बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। देखो भी सबसे पहले मोनोक्रोमेटिक, अब अपने इसको आइडेंटिफाई करते हैं थोड़ा समझने के लिए। देखो मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होता है, कहने का मतलब है जिसका जो वाइब्रेशन होता है वो क्या होता है, ऑल डायरेक्शन में। आगे बात समझ में, ऑल डायरेक्शन में वाइब्रेशन होता है। अगर मैं इस मोनोक्रोमेटिक लाइट को कहाँ पे पास थ्रो ए निकोल प्रिज्म, अब निकोल प्रिज्म में क्या पोजीशन होती है वो देखो, निकोल प्रिज्म में इंटरनल कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर्स होती है, या तो इस टाइप की होती है या इस टाइप की। अब यहां से देखो ये मार्कर है, ये ओल्ड डायरेक्शन है। अगर मैं इधर से फील करवाऊं तो ये मार्कर ऐसे होगा तभी जाएगा इधर की तरफ, ऐसे होगा तो जाएगा क्या, नहीं जाएगा। अगर ऐसे होगा तो जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब है जो लाइट होती है उसका जो वाइब्रेशनल डायरेक्शन होता है वो क्या हो जाता है, वन साइडेड। इसको ही अपने जो लाइट ऑब्टेन होती है उस लाइट को अपने क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट। कहने का मतलब है मोनोक्रोमेटिक लाइट को निकोल प्रिज्म में से पास करवाते हैं तो जो लाइट ऑब्टेन होती है उसको अपने क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब अपने थोड़ा इंग्लिश मीडियम में बात करते हैं, इफ द मोनोक्रोमेटिक लाइट पास थ्रू ए निकोल प्रिज्म द ऑब्टेन पोलराइज्ड लाइट इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। स्पीकिंग अगेन, If monochromatic light pass through a Nicol prism, the obtained light is called plain polarized light. आगे क्या बात समझ में? अब ये जो plain polarized light होती है, अगर अपने किसी भी compound में pass करवाते हैं तो compound अगर इसको left और right side में rotate कर दे, या तो राइट साइड में रोटेट करेगा या लेफ्ट साइड में, आगे उस कंपाउंड को अपने बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। अगर कोई कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं करे,
उसको अपने क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड। स्पीकिंग अगेन, अपनों ने सबसे पहले किया था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म डेफिनेशन, द कंपाउंड विच हैव स्ट्रक्चरल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट नोन एज ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड फिनोमिना इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। एनी प्रॉब्लम? फिर अपनों ने पढ़ा किसके बारे में, प्लेन पोलराइज लाइट। प्लेन पोलराइज लाइट क्या हो जाएगा, विफ मोनोक्रोमेटिक लाइट पास थ्रो ए निकोल प्रिज्म द ऑप्टेन लाइट इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज लाइट। आगे बात समझ में? अब देखो अपने नेक्स्ट डेफिनेशन, दोज कंपाउंड, अब देख रहे हैं अपने ऑप्टिकल एक्टिव, इसके अंदर ही चल रही है डेफिनेशन। दोज कंपाउंड विच रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट आइदर लेफ्ट या लाइट, लेफ्ट या राइट, द कंपाउंड इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। ठीक है, दोज कंपाउंड विच रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट आइदर लेफ्ट और राइट द कंपाउंड इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। इसके अंदर ही एक डेफिनेशन और है अपनी, ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड, दोज कंपाउंड विच रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट विच डू नॉट रोटेट, ये रोटेट नहीं करेगी, दोज कंपाउंड विच डू नॉट रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट द कंपाउंड इज कॉल्ड ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड। हाँ भी, दो डेफिनेशन कंप्लीट होगी। वह कंपाउंड जो पीपीएल बोलते हैं इसको शॉर्ट में, प्लेन पोलराइज लाइट को क्या कर दे, लेफ्ट में रोटेट कर दे और राइट में रोटेट कर दे, द कंपाउंड इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। दोज कंपाउंड विच डू नॉट रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट
the compound is called optical inactive compound. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो लेफ्ट में या राइट में रोटेट करे और ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिजम्स. नो नेक्स्ट लाइन क्या हो जाएगी यहां पे, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. हाँ भाई समझ में आ गया, अंडरस्टूड. फिर अपने थोड़ा प्रैक्टिकली और देख लेंगे, पहले डेफिनेशन देख रहे हैं. ऑप्टिकल एक्टिव, सबसे पहले देखो अपनों ने किया ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है. प्लेन पोलराइज लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट डिफरेंट होती है. तो प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है, किसी भी ऑल डायरेक्शन में वाइब्रेशन होने वाली लाइट को, जिसको अपने बोलते हैं एक कलर की लेते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट, और वैसे उसको क्या बोलते हैं ऑर्डिनरी लाइट. उस मोनोक्रोमेटिक लाइट को जब निकोल प्रिज्म में पास करवाते हैं तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाता है, वन साइडेड. इसको अपने क्या बोलते हैं, पीपीएल. पीपीएल का मतलब क्या हो जाएगा, प्लेन पोलराइज लाइट. अब यहाँ पे क्या होते हैं ये प्रोसीजर, अब प्लेन पोलराइज लाइट को अगर किसी कंपाउंड में पास करवाते हैं तो वो कंपाउंड क्या कर देता है, प्लेन पोलराइज लाइट को अगर लेफ्ट और राइट साइड में रोटेट कर दे उसको अपने बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, अगर रोटेट नहीं करे उसको अपने क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड. और ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है वही क्या शो करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं. अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट की. नेक्स्ट है, इन द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आइसोमेरिज्म द ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड डिवाइड इन टू टाइप्स. फर्स्ट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर्स. देखो भी इसको समझने के लिए क्या है, देखो अब यहाँ पे क्या है, ऑल डायरेक्शन शो करने वाली लाइट है, उसको मैंने निकोल प्रिज्म में पास करवाया, निकोल प्रिज्म में पास कराऊंगा तो वो उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वन साइडेड. अब इसको मैं किसी भी कंपाउंड में पास कराऊंगा, कंपाउंड में पास कराऊंगा तो कंपाउंड अगर प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड में रोटेट कर दे उसको अपने बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर्स. वो कंपाउंड कौन से आइसोमर्स होते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर्स. आगे क्या बात समझ में, तो इसको अपने डायग्राम से समझेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेन पोलराइज लाइट बनाते हैं अपने यहाँ पे, अब इसको मैं यहाँ पे किससे पास कराऊंगा, कंपाउंड. कोई भी सॉल्यूशन ले लेते हैं अपने जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, ठीक है. ये क्या है यहाँ पे, प्लेन पोलराइज लाइट. यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस. अब देखो ये प्लेन पोलराइज लाइट है, ठीक है, वन साइडेड डायरेक्शन है यहाँ पे. आगे बात समझ में, इस वन साइडेड डायरेक्शन को मैं अगर पास करवाऊँ सॉल्यूशन में से,
अब ये सॉल्यूशन या ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इस प्लेन पोलेराइज्ड को क्या कर दे, राइट साइड में रोटेट कर दे, इधर की साइड में, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज साइड, रोटेट टू क्लॉकवाइज साइड, उसको अपने बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर्स। तो इधर की साइड में बना देंगे ये, इट इज द डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर्स। It is denoted by the small d and also denoted by the plus. Plus means clockwise. Any problem? So what is the dextrorotatory isomerism? अब definition की बात करते हैं. When the plane polarized light pass through a solution of substance, the obtained The solution of substance and compound rotating of the plane polarized light right side is called dextrorotatory isomers. Speaking again, if the plane polarized light pass through a solution of substance or organic compounds, this organic compound rotating the plane polarized light to the right side, the isomers is called dextrorotatory isomers. Any problem? It is denoted by the small d or plus. आगे क्या बात समझ में? अब अपने चलते हैं next. Next अपने आ जाएगा second part. लीवोरोटेटरी आइसोमर्स, व्हाट इज द लीवोरोटेटरी आइसोमर्स? देखो भाई, इसमें ही वही काम करेंगे अपने, बनाएंगे प्लेन पोलराइज लाइट, द डायरेक्शन टेक प्लेस इन वन साइडेड, इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज लाइट। The plane polarized light pass through a solution of substance those compound the PPL means plane polarized light rotate to the left side, the compound is called levorotatory isomers. So next is rotate to the left side, ठीक है, the isomer is called levorotatory. It is denoted by L or minus anti-clockwise. Any problems? अभी अब अपनों ने स्पीकिंग अगेन, मैं पूरा रिपीट कर रहा हूँ, नहीं समझ में आया तो देख लो। सबसे पहले थोड़ा अपनी लैंग्वेज में समझाता हूँ पूरा पार्ट, अब अपने इंग्लिश मीडियम में थे तब कर रहे थे। देखो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, जिसमें स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम हो, क्या आ जाएगी, मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम हो बट ऑप्टिकल एक्टिविटी डिफरेंट। ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट
आप देखो यहाँ पे डायरेक्शन एक तो क्या हो रहा है लेफ्ट साइड और दूसरा क्या हो रहा है राइट साइड, तो एक कंपाउंड राइट साइड में रोटेट हो रहा है और दूसरा कंपाउंड कहाँ पे रोटेट हो रहा है लेफ्ट साइड में, तो दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हो गए। इस टाइप की जो कंपाउंड होते हैं वही क्या शो करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, दोज कंपाउंड इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स, आगे जो रोटेट कर दे लेफ्ट और राइट साइड में। अब अपने नेक्स्ट क्या पढ़ा था उसके बाद में पीपीएल क्या होता है, पीपीएल मैंने तुम्हें बताया था जो ऑल डायरेक्शन हो लाइट की उसको बोलते हैं अपने मोनोक्रोमेटिक लाइट, एक कलर लेते हैं इसलिए मोनोक्रोमेटिक लाइट, आगे बात समझ सिंपल लाइट है, आगे क्या बात समझ में, उसको अपने पास करवाते हैं किसमें करवाते हैं निकोल प्रिज्म में, निकोल प्रिज्म में पास कराने के बाद में क्या होती है लाइट का जो डायरेक्शन है द राइट टेक प्लेस इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज लाइट, द प्लेन पोलराइज लाइट, आगे क्या बात समझ में, प्लेन पोलराइज लाइट अब अपने कराते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड या सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस में पास, तो इसमें क्या होता है इन द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड डिवाइड इन टू टाइप्स, फर्स्ट इज क्या आ जाएगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड, डेक्स्ट्रो में क्या था डेक्स्ट्रो मतलब क्या हो जाएगा राइट साइड, लिवो मतलब क्या हो जाएगा लेफ्ट साइड, या आप क्या कह सकते हो डेक्स्ट्रो मतलब क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज रोटेशन और लिवो रोटेटरी क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। एनी प्रॉब्लम्स थोड़ा बुक में पढ़ के देखना और ये अपने कॉपी कर लेना, बहुत सिंपल टॉपिक है ये, और एनी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पास कर दीजिएगा क्वेश्चन। ओके बाय, स्टे सेफ एंड स्टे होम।